वेलकम टू गर्ल्स कोचिंग क्लासेस। बच्चों आज हम देखने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 10th का पार्ट 2 का 4th चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम हमने 9th कक्षा में देखी थी। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंटल एंड मैनेजमेंट के अंदर हमें पढ़ना क्या है, तो हमें देखना इकोसिस्टम और रिव्यू, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या रहते हैं, एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम क्या है, एनवायरमेंट का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। बच्चों तो फर्स्ट टॉपिक हम चालू करते हैं इकोसिस्टम और रिव्यू। तो इकोसिस्टम कैसे तैयार होती है? इकोसिस्टम इज फॉर्मड बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। और जो इकोसिस्टम रहती है बच्चों, क्या होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर के अंदर का इंटरेक्शन, यानी उसके अंदर का जो इंटरेक्शन रहता है, उससे क्या होता है, इकोसिस्टम तैयार होती है। इकोसिस्टम इज फॉर्मड बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, यानी देयर इंटरैक्शंस, यानी इकोसिस्टम इज फॉर्मड बाय इंटरैक्शंस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स विद ईच अदर, इसे बोलते हैं इकोसिस्टम। ईच फैक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम, और जो हर जो पार्ट रहता है वो क्या करता है बच्चों, उसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोटिक यानी जैविक, अबायोटिक यानी जो जिंदा नहीं, उसे क्या बोलते हैं, हम अबायोटिक फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि पत्थर, वो क्या है, हवा, अबायोटिक फैक्टर्स है। और बायोटिक एनिमल्स, प्लांट, दीज आर द बायोटिक फैक्टर्स। प्रोड्यूसर्स जो रहते हैं, प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्लांट्स क्या रहते हैं बच्चों, प्रोड्यूसर्स। उनको कौन खाता है, यहाँ पे डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बारे में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, ग्रास है, ग्रास। और जो ग्रास है क्या करता है बच्चों, यहाँ पे जो सन के विद द हेल्प ऑफ सन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट क्या करते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और खुद का फूड खुद तैयार करते हैं। और ग्रास के ऊपर कौन डिपेंड रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है ग्रास होपर। और ग्रास होपर को कौन खाता है, फ्रॉग। और फ्रॉग किसका फेवरेट फूड है, स्नेक का। और स्नेक को कौन खाता है, यहाँ पे देख सकते हैं ईगल, या उसे बोलते हैं हॉक। और इनकी उम्र होने के बाद क्या होते हैं बच्चों, ये मर जाते हैं, और मर जाने के बाद उनके बॉडी का क्या होता है, डिकम्पोज। और डिकम्पोज कौन करता है बच्चों, फंगाई। कौन करता है बच्चों, फंगाई उनका डिकम्पोज करता है। और आप यहां देख सकते हैं वो क्या होता है, अगेन दे आर कन्वर्टेड इनटू अ बायोटिक फैक्टर। यहां पे देख सकते हैं प्रोड्यूसर कौन है बच्चों, प्लांट्स। हर्बिवर्स कौन रहते हैं, डियर्स, गोट, शीप, कैटल्स। हर्बिवर्स मींस व्हाट बच्चों, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं बच्चों, वेजिटेबल्स यानी घास खाते, उससे बोलते हैं हम हर्बिवर्स, लाइक हॉर्स, कैमल्स। और जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं कौन, ये जो डियर है, गॉट है, शीप है, कैटल से, उनके ऊपर डिपेंड्स रहते हैं बच्चों। फीडिंग अपॉन प्रोड्यूसर्स, और उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, हम हर्बिवर्स। क्या बोलते हैं उसे, हर्बिवर्स। प्रेडेटर्स लाइक लायन एंड टाइगर विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ द हर्बिवर्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। और हर्बिवर्स को कौन खाता है बच्चों, प्रेडेटर्स लाइक लायन एंड टाइगर, इसे बोलते हैं प्रेडेटर। और उनको कोई खा सकता है, नहीं, यानी वो क्या हो गए बच्चों, अपेक्स कंज्यूमर, यानी उसे कोई नहीं खा सकता। अ क्वेश्चन में अराइज इन आवर माइंड दैट वेदर द कैटरपिलर्स फाउंड इन नेचर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फिल्थी प्लेसेस, टर्माइट्स, इंसेक्ट प्रेजेंट इन द डंग आर रियली यूजफुल। हमें यहाँ पे पूछा है बच्चों, हमें क्वेश्चन आस किया है, हम यूजफुल है क्या टर्माइट्स जो रहते हैं, इंसेक्ट जो रहते हैं डंग, डंग के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं फिल्थी प्लेसेस में, तो ये यूजफुल है क्या, तो ऑब्वियसली बच्चों यूजफुल है। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, डिकम्पोजिशन हो सकता है। अगर ये
इन्वायरमेंट में अगर अवेलेबल है तो डिकम्पोजिशन हो सकता है क्या? नहीं बच्चों। हाउएवर दोज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट थ्रू दे आर डर्टी, दो दे आर डर्टी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इसके वजह से क्या होता है बच्चों, इन्वायरमेंट का क्लीनिंग होता है। इट मीन्स दैट आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दोज फैक्टर्स प्रेजेंट अराउंड अस, यानी जो आज ह्यूमन बींग्स अर्थ पे अवेलेबल है तो किसकी वजह से है? जो बायो, जो अभी हमने बताया, जो ऑर्गेनिजम्स है या उनके जो कैरेक्टर्स है उसके वजह से हम क्या है बच्चों, आज जिंदा है। सो हमें भी क्या करना है बच्चों, वी शुड केयर फॉर दो दिस फैक्टर्स। सो हमको भी क्या करना है बच्चों, ऐसे फैक्टर का केयर करना है। आगे देखते हैं, यहां पे देखिए डायग्राम को देख सकते हैं आप। इकोसिस्टम कितने टाइप है बच्चों, बायोटिक फैक्टर और दूसरा यहाँ पे क्या आता है बच्चों, बायोटिक फैक्टर। यहाँ पे बायोटिक फैक्टर क्या आता है बच्चों, बायोटिक फैक्टर। इसके दोन पड़ते हैं बच्चों, अबायोटिक फैक्टर के दोन टाइप पड़ते हैं, कौन सा? फिजिकल फैक्टर और दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ पे केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या आता है बच्चों, एयर, वाटर वेपर, वाटर वेपर, मिनरल, सॉइल, सनलाइट। और केमिकल फैक्टर में क्या आता है, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स आता है बच्चों। यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है बच्चों, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। अब देखते हैं बायोटिक फैक्टर में, यह है आइटोट्रॉफिक और दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ पे हीटरोट्रॉफिक। आइटोट्रॉफिक क्या, खुद का जो फूड है वो कौन तैयार करते हैं, प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स कौन है बच्चों, यहाँ पे प्लांट्स है। डिकम्पोजर कौन रहते हैं बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं बैक्टीरिया या इसे बोलते हैं फंगाई डिकम्पोजर है। और एनिमल के क्या है, एनिमल्स क्या है बच्चों, कंज्यूमर। और एनिमल के तीन टाइप आते हैं बच्चों, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और थर्ड वन टर्शियरी कंज्यूमर, ऐसे उनके टाइप आते हैं बच्चों। पैडी इज कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल इन द वेरियस स्टेट ऑफ द साउथ इंडिया। पैडी ये क्या है बच्चों, पैडी यानी हम इसे बोलते हैं ना राइस, इसे राइस को पैडी बोलते हैं बच्चों, साउथ इंडिया में ज्यादा पैमाने पे लेते हैं। पैडी फील्ड्स आर फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय ग्रास होपर, यहाँ पे ऊपर डायग्राम में आपको दिखाया था। ग्रास होपर को कौन खाता है, फ्रॉग, उसके लिए वहां पे लास्ट नंबर पे मड लैंड पे आते हैं वहां पे। और उनको खाने के लिए कौन आता है, स्नेक आता है, उनका फेवरेट फूड है। ये क्या है बच्चों, ये टोटल एक इकोसिस्टम है, ये क्या है पैडीलैंड की टोटल इकोसिस्टम है बच्चों, टोटल इकोसिस्टम ऑफ द पैडीलैंड। ये जो फूड चेन है ना, ये पैडीलैंड की टोटल इकोसिस्टम है बच्चों। आगे देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड द इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज इन्वायरमेंट। फिजिकल, केमिकल एंड विच फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसको अफेक्ट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इन एनी पॉसिबल वे, किसी ही तरह, इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट, हम उसे बोलते हैं एनवायरमेंट। इन शॉर्ट एनवायरमेंट इज द कंडीशन इन द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग में जो कंडीशन रहती है इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, एनवायरमेंट बोल सकते हैं। और ये क्या इंक्लूड करता है, बायोटिक, अबायोटिक फैक्टर्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल फैक्टर्स इन्वॉल्व करता है। एक्चुअली एनवायरमेंट के टू टाइप है मेनली, वन इज अ नेचुरल इन्वायरमेंट और दूसरा रहता है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, अब देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर क्या रहता है, एयर, एटमोसफियर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बच्चों। कंटिन्यूअस इंटरेक्शन ऑकर बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, और क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स में कंटिन्यू इंटरेक्शन रहता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो इफेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जो हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसकी वजह से क्या होता है, जो व्हीकल्स है इसकी वजह से आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट तैयार होता है। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है बच्चों, इफेक्ट करता है। जैसे कि हमने एक्सेस यूज ऑफ कोल की वजह से या ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या व्हीकल की वजह से जो ओजोन का लेयर था वो क्या हुआ था बच्चों,
थोड़े पैमाने पे खत्म हुआ था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से अब जो सेक्शन था ऊपर का, जो ओजोन का लेयर खत्म हुआ था, वो फुल्ली कंप्लीटली भर गया बच्चों, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर अर्थ. बेसिकली इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फैक्टर. अब देखते कौन से बेसिक फैक्टर, पहला है बायोटिक फैक्टर और दूसरा कौन सा है बच्चों, अबायोटिक फैक्टर. द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी. ऐसा विज्ञान के जिसमें बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का इंटरैक्शन का स्टडी करते हैं. कहाँ का बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, किसके इन्वायरमेंट के, उनका इंटरेक्शन का स्टडी करते हैं, हम उसे बोलते हैं इकोलॉजी. रिपीट इट, द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी. बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. और जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है जिसकी मदद से हम इकोलॉजी को स्टडी करते हैं, किसको, इकोलॉजी को स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम. क्या बोलते हैं बच्चों, उसे इकोसिस्टम. इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम. अब इन्वायरमेंट में मेनी इकोसिस्टम रहते हैं. वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम इन द अर्लियर क्लास 9th स्टैंडर्ड में, आप देख सकते हैं. अ स्मॉल पॉन्ड इज एन आल्सो इकोसिस्टम, यानी छोटा जो डबका रहता है वो भी इकोसिस्टम रह सकता है. कैसे, उसके अंदर फिश रहते हैं, छोटे छोटे दूसरे अलगी रह सकते हैं, बैक्टीरिया रह सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम रहते हैं बच्चों. और अर्थ जो है, अर्थ क्या है बच्चों, लार्जेस्ट इकोसिस्टम है. बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑक्यूपाइंग अ डिफाइनाइट ज्योग्राफिकल एरिया. बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑक्यूपाइंग अ डिफाइनाइट ज्योग्राफिकल एरिया एंड देयर इंटरेक्शंस, एंड देयर इंटरेक्शंस कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द इकोसिस्टम. उसे कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं हम, इकोसिस्टम. यानी जो अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर क्या करते हैं, डिफाइनेट जियोग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, और उनके बीच का जो इंटरेक्शन रहता है उन्हें हम कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं, इकोसिस्टम कह सकते हैं. इन्वायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन थ्रू कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ नेचुरल साइकिल्स. और जो इन्वायरमेंटल का बैलेंस रहता है वो किसकी वजह से मेंटेन होता है, इट इज ड्यू टू कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ वेरियस नेचुरल साइकिल्स. कैसे साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, गैसियस साइकिल, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल बच्चों. इन्वायरमेंटल बैलेंस इज आल्सो मेंटेन ड्यू टू वेरियस फूड चेन्स ऑफ इकोसिस्टम. और जो इन्वायरमेंटल का बैलेंस रहता है बच्चों, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स की वजह से भी क्या होता है बच्चों, बैलेंस रह सकता है. ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर. अगर हमारे सराउंडिंग में नेचर अवेलेबल नहीं है तो ह्यूमन रह सकते हैं क्या, नो इट इज नॉट पॉसिबल. हेंस इट इज बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बींग टू प्रिजर्व द नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस. सो हर ह्यूमन बींग का दायित्व है कि हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं उन्हें विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस. हमें इसका बैलेंस डिस्टर्ब नहीं करना है. इट इज सेड दैट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट ऑन लीज. इसी वजह से क्या बोलते हैं बच्चों, जो अर्थ प्लैनेट है हमने क्या किया बच्चों, लीज पे लिया, भाड़े पे लिया, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. किसके लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, एंड नॉट एज एन ancestral property from our ancestor. यानी हम जैसे बोलते हैं कि मेरे बाप की जमीन है, मेरे आज्जा की जमीन है, ऐसा नहीं, रे दादा की जमीन है, ऐसा नहीं बच्चों. ये क्या है बच्चों, ये जो प्रॉपर्टी है हमारी ancestral प्रॉपर्टी नहीं, तो हमारी क्या है बच्चों, फ्यूचर की प्रॉपर्टी है. Hence we should not forget to conserve it for ourselves. इसीलिए हमें हमारे लिए इसे क्या करना है बच्चों, कंजर्व करना है. हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें इसे क्या करना है बच्चों, कंजर्व करना है. हमें आगे देखते हैं हम इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन बच्चों, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन. व्हेन सम नेचुरल फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट एंड सम आर्टिफिशियल पॉल्यूटेड फैक्टर्स हार्म द एनवायरमेंट, इट क्रिएट्स इम्बैलेंस बिटवीन वेरियस फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट एंड अल्टीमेटली अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द बायोटिक फैक्टर्स. बच्चों
क्या होता है, जो नेचुरल फैक्टर्स रहते हैं इन्वायरमेंट में या समटाइम आर्टिफिशियल जो पॉल्यूटेड फैक्टर रहते हैं, वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। तो हार्म होने के बाद क्या होता है बच्चों, इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद क्या होता है बच्चों, वेरियस फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड अल्टीमेटली अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर, और जो एग्जिस्टिंग बायोटिक फैक्टर है उनको क्या करता है बच्चों, वो अफेक्ट कर सकता है। तो देखते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंट, फर्स्ट अपॉन नेचुरल फैक्टर और दूसरा है मैनमेड फैक्टर। अब देखते हैं हम अर्थक्वेक इज अ नेचुरल, वोल्केनिक इरप्शन नेचुरल, फ्लड्स नेचुरल, क्लाउड बस्टिंग नेचुरल, फॉरेस्ट फायर नेचुरल, ड्रॉट इज ऑल्सो नेचुरल, मैनमेड हम देख सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग डैम्स, टेररिज्म, इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, मैनमेड फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं। और ये नेचुरल फैक्टर और मैनमेड फैक्टर्स की वजह से क्या होता है बच्चों, इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से बायोटिक फैक्टर को इफेक्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी ने बताया था, द अर्थ इज सफिशियंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड, यानी जो हमारी अर्थ है, भारत माता है, या होल जो अर्थ है, हमारी नीड सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन हमारी जो ग्रीड है, हमारी जो लालसा है, वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती बच्चों। थैंक यू।